आप क्या लेना पसंद करेंगे? फूल ये आपके बेटे की तरफ से आपके लिए। थैंक यू मुस्तफा। आप सरप्राइज के लिए तैयार हो? हाँ। तो आइए। मुझे ऐसे घबराहट हो रही। Assalamualaikum guys, welcome back to another vlog. उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमने सोचा है कि बेगम का दिन जो है ना वो स्पेशल बनाते हैं। हमने वो सब बेगम के लिए कर रहे हैं जो बेगम हमारे लिए कई सालों से कर रही है। सुबह उठो, बच्चों को देखो, बच्चों को तैयार करो, फिर मैं उठता हूँ, मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मैं चला जाता हूँ, फिर सारा दिन बच्चों को देखो, पूरा दिन इसी में गुजर जाता है। मैंने ये नोटिस किया कि सारे टाइम में बेगम को अपने लिए टाइम मिलता ही नहीं है। आज मैंने डिसाइड किया जो बेगम हमारे लिए कई सालों से कर रही है उसका 1% अगर हम बेगम के लिए करें तो क्या ही बात है। तो शुरू करते हैं खाने से। तो बच्चे, दोनों बच्चे जो है ना बड़े खतरनाक बच्चे हैं। ये रिस्क मैंने अपने ऊपर लिया है, अपने साथ लेके आया हूँ। डायरेक्ट जाते हैं बाहर से खाना लेते हैं। जी जी बोलू। सीट बेल्ट आपने नहीं पहनना? इसने सीट बेल्ट नहीं पहनना। आपका भाई बड़ा आराम आराम से गाड़ी चला रहा है, बड़े आराम आराम से ब्रेक मार रहा है, तो इस चीज़ की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। बहुत इंपॉर्टेंट है सीट बेल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इसको आप गलती से सीट बेल्ट पहनाओ तो ये पूरी गाड़ी जो ना सर पे ले लेती है। एहतियातन अपने साथ दूध भी उठा लिया है इसका, क्योंकि इसका किसी भी टाइम कुछ भी पता नहीं चलता। बोलो ना, आपको क्या आता है? आता है क्या? मुस्तफा इसके बाद टिकटॉक नहीं देखेगा। अस्सलाम वालेकुम। सलाद यो खुराक चावल का सही शो, और यो रोस्ट का चिकन रोस्ट का। अच्छा जी, तो खाने का ऑर्डर हमने दे दिया है, अभी हम जाएंगे घर और बेगम के लिए दस्तरखान लगाएंगे। मुस्तफा जानू, मुस्तफा आप ट्विंकल ट्विंकल तो सुनाओ यार। कैसे उठू, कहाँ जाऊ? अच्छा, गोदी में आवाज ये देखो। हाँ चलो। या अल्लाह, आफत है आफत। आप भी कसर नहीं छोड़ना। अच्छा यार, आप लोगों को कैसे संभाल लेती है मम्मा? हाँ मेरा तो जीना हराम कर दिया है। अच्छा तो खाना हमने उठा लिया है। अब बंदा क्या करे, आप लोग बताओ। अब आप शुरू हो गई, जब वो चुप हो गए आप शुरू हो गई। बाबा कहाँ जाए, आप लोग बताओ ना, बाबा कहाँ जाए, क्या करे? कसम से आपकी माँ को जो है ना मैं सलाम पेश करता हूँ। जूस पीने, जूस। चलो आओ, आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो। चलो। अच्छा, जूस के बहाने से लोग उतरे थे। इसने अपने लिए ये लिया, ये लिया, और आपने क्या लिया मुस्तफा, दिखाओ। इसने ये लिया। बहुत मुश्किल काम है भाई, मेरा तौबा है, मेरा तौबा है अल्लाह की कसम। मैं इनको कभी भी अकेले अपने साथ कहीं नहीं लेके जाऊंगा। ये खाना शाना आ गए हैं, प्लेटों में डालते हैं और फिर बाहर जो है ना उस टेबल पे सजाते हैं बेगम के लिए। यार छोटा सा काम था ना, और इतना थक गया हूँ ना इन बच्चों की वजह से, तो वह है मेरा। खाना जो है बिल्कुल रेडी है, अभी बाहर जो है ना इसको सजाते हैं। खाना हमारा रेडी है बिल्कुल, अभी बेगम को आवाज देते हैं। बेगम ऐसा से एक खाना है, तुम तो बनाती हो घर पे ना, मैं बाहर से लाया हूँ ना, मेरी बस हो गई है, पता है? हाँ बताओ। एक तो मैं सबको बताऊंगी कि तुमने सिर्फ 2 घंटे से अभी काम कर रहे हो मेरे बच्चों के घर के, इतना मूड ऑफ किया, मूड ऑफ उन्होंने मेरा करा है। बहुत मुश्किल काम है यार। चलो जी, अभी पौधों को सोना पानी देते हैं, कल से नहीं दिया। ऐसे
अच्छा तो गाइस सीन ये है कि आपका भाई हो गया तैयार। अभी मुझे पता चला है कि बेगम जा रही है अपने बहन के साथ हॉस्पिटल, तो घर बिल्कुल खाली होगा, तो मुझे मौका मिला है कि मैं इस जगह को सेट कर सकूं। तो मैंने आज ये फील किया है कि बेगम को अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो आज थोड़ा उनको स्पेशल फील कराते हैं क्योंकि शी इज़ द रियल क्वीन, तो आज हम उनको क्वीन ही फील कराते हैं। तो अभी टाइम ज़ाया नहीं करते, बेगम के जाने का इंतज़ार करते, जैसे ही वो जाएगी तो आपका भाई जो है ना गाड़ी निकालता है फ़ौरन और इस जगह के लिए सेटिंग करता है इंशाल्लाह। फाइनली मुझे मौका मिल गया है, बेगम चली गई है, मैं घर से रवाना हो चुका हूँ, मेरे साथ मुस्तफ़ा भी है और अभी हम जा रहे हैं। जो सामान उठाना है मेरे माइंड में है वही चीज़ें उठाते हैं, बेगम को सरप्राइज देते हैं। इनमें से कौन सा उठाएं? ये वाला। चलो तो गाइस स्कूल शूल जो है ना हमने उठा लिया है, गिफ्ट वगैरह उठा लिए हैं, बैलून वगैरह उठा लिए हैं, अभी घर जाके इसको सजाते हैं और बेगम को जो है ना एक छोटा सा सरप्राइज देते हैं। चीज़ें वीज़े बेगम के लिए उठा लिए, इसने अपने लिए भी चीज़ें उठा लिए, अभी घर जाके सब कुछ सजाते हैं। A few moments later. मैं घर पहुंच गया हूँ, एक ये लिए मैंने, इसके अंदर जो है ना सबके अंदर चॉकलेट्स हैं, फूल लिए हमने, एक ये बड़ा खूबसूरत सा मुझे वहाँ पे लगा, इसमें जो है ना बीच में रिंग है। एक जो है ना हमने कैंडल लिया है, कैंडल माशा बड़ा खूबसूरत मुझे लगा है। अच्छा ये दो जो है ना ये थैंक यू के कार्ड लिए हैं, एक बच्चों की तरफ से और एक मेरी तरफ से, इस पे कुछ लिखते हैं। अभी बलून्स लिए हैं दो पैकेट, ये कुछ इस तरह के बनेंगे। फाइनली ये आप चेक करें, अभी फिलहाल कुछ इस तरह दिख रहा है। और ये देखो मुस्तफ़ा ने अपने मम्मा के लिए क्या लिखा है, और ये मेरी तरफ से है, और ये जो है ना आई होप बेगम को पसंद आ जाए, इसके अंदर हर एक के अंदर जो ना चॉकलेट है। बेगम हमारे लिए बहुत करती है, हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हमने जो है ना बेगम का दिन स्पेशल बनाने के लिए सब किया हुआ है। मुस्तफ़ा ने मेरे साथ हेल्प की है, मेरे साथ बातें की है ताकि मैं बोर ना हूँ। अच्छा बेगम आई हुई है, लेकिन जैसे ही आ गई थी तो मैंने उसको बोला कि आपने अभी अंदर नहीं आना है, उसको नहीं पता कि मैंने क्या किया हुआ है, लेकिन ये पता है कि मैं उसको कुछ सरप्राइज दे रहा हूँ क्योंकि मैं अंदर नहीं छोड़ रहा, तो वो अंदर बैठी है तो अभी उसको बुलाते हैं। अच्छा सीन ये है ना कि बेगम तो कैमरे में ज़ाहिर सी बात है नहीं आ पाएगी, तो मैं जो है ना ये कैमरा बेगम को दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर बैठता हूँ और उसका रिएक्शन देखते हैं कैसे होता है। मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। आप क्या लेना पसंद करेंगे? फूल। ये आपके लिए, ये आपके बेटे की तरफ से आपके लिए। थैंक यू मुस्तफा। आप सरप्राइज के लिए तैयार हो? हाँ। तो आइए प्लीज। मुझे ऐसे घबराहट हो रही कितना प्यारा लग रहा है ये। ये कितना प्यारा लग रहा है और ये तुमने खुद किया है। थैंक यू आसिम, ये कितना प्यारा लग रहा है मुस्तफा। थैंक यू। बहुत प्यारा लग रहा है और ये अच्छा किया है लेडी है। जो मैनेजर होते हैं, हाँ, जो नया रेस्टोरेंट खुला होता है तो मैं वो लग रहा हूँ।
थैंक यू। ये कैंडल नाइट डिनर में तुम मेरे मुशायरा दिखा रही हो।